उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में राजा तालाब स्थित खजूरी नामक स्थान पर मोदी जी का प्रयागराज से वाराणसी 6 लेन का लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर पीएम ने अपने चिर परिचित अंदाज में हर हर महादेव के नारे से संबोधन शुरू किया। संबोधन में काशी वासियों को भोजपुरी में बधाई दी। खास कर कार्यक्रम से जुड़े रोहनिया, कप सेठी आदि स्थानों का भी जिक्र किया गया। पीएम ने देव दीपावली व गुरु नानक जयंती के प्रकाश उत्सव पर्व की भी बधाई दी। पीएम ने अपनी पहली काशी जनसभा के दौरान हंडिया से राजा तालाब आने पर हाईवे पर होने वाली परेशानी का जिक्र करते हुए 70 किलोमीटर से ज्यादा के इस सफर को आसान बताया। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान 6 लेन से आमजनों को होने वाली परेशानियों से निजात की बात कही। काशी के सुंदरीकरण व कनेक्टिविटी का भी जिक्र करते हुए आजादी के बाद से बनारस में इतना विकास कार्य कभी नहीं हुआ। पिछले 6 वर्षों से बनारस में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पूर्ण किया गया और कुछ एक पर कार्य जारी है। रेलवे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई। रिंग रोड फेज 2 सुल्तानपुर लखनऊ आजमगढ़ की यात्राएं आसान होंगी। आपको बताते चले कि दोपहर में पीएम मोदी के आने से पहले प्रातः से ही आम जनमानस की भीड़ पांडाल में जुटने लगी। इतनी भीड़ खचाखच भरी थी, जिधर देखो उधर आदमी ही आदमी। प्रशासन हर तरफ चुस्त दुरुस्त दिखे। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सभी को बैठने के लिए उचित दूरी बनाकर कुर्सियां रखी गई थी। सभी ने मास्क भी लगा रखा था। दोपहर में अपना दल एसके कार्यालय से सेवापुरी विधायक नील रतन सिंह पटेल अपने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता के साथ जब पंडाल की ओर बढ़े और हर हर महादेव, जय श्री राम, मोदी मोदी के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता पंडाल की तरफ जब बढ़ रहे थे तो नजारा देखते ही बन रहा था। हर कार्यकर्ता अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा था। कार्यक्रम के समापन के उपरांत हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी वाराणसी में देव दीपावली का उत्सव मनाने के लिए निकल पड़े। इस अवसर पर रामविलास पटेल, डॉक्टर बंसराज पटेल, सेवापुरी मीडिया प्रभारी मुन्ना खान, मिथिलेश सिंह, शिवधनी, रमेश पटेल, लाल बहादुर पटेल, राजू बिंद एवं अन्य तमाम कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। अखंड भारत न्यूज के लिए विनोद कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, वाराणसी।